बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुली कचहरी जो 99 पॉइंट एजेंडा है सूबाई हुकूमत का, उसका मसला ये है कि ये जो हमारे सरकारी अफसरान हैं इनका आवाम के साथ ताल्लुक कायम रहे। अक्सर लोग जाते हैं, सरकारी अफसरान अपनी इंतजामी जिम्मेदारियों की वजह से उनको टाइम नहीं दे पाते, तो हर 15-20 दिन बाद महीने में एक दिन दो दिन एक खुली कचहरी का अहतमाम का मकसद भी ये है कि हम एक जगह नोटिफाई करें, वहाँ पे लोग आ जाएं अपने मसाइल के साथ और जितने मुख्तलिफ इंतजामी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हों, उनकी दरख्वास्तों पे गौर हो और वही डिसीजन ले जाएं। इस हवाले से खुली कचहरी का जो अहतमाम है ये इंतहाई फ़ायदेमंद है और आवाम के जो हम पब्लिक जो हम सर्वेंट्स हैं वो पब्लिक को हम यहाँ पर आंसरेबल हों और इसकी एक ट्रू पिक्चर है, एक जिंदा मिसाल है। इस हवाले से आज जो खुली कचहरी हुई, आवाम का ये कहना था कि ये इस हवाले से आगरा में पहली खुली कचहरी का अहतमाम हुआ है। इसमें इरीगेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, वाबला के हवाले से, लैंड रेवेन्यू के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल सामने आए। कुछ मसाइल तो हमने इंशाल्लाह इधर ही मौके पे हल कर दिए और बाकी मसाइल जो है जिसमें कुछ फंड्स की कमी है, कुछ ऐसे है जिसमें हमने अथॉरिटी देनी है, कुछ सेंक्शंस देनी है, तो इंशाल्लाह वक्त वक्त वो भी हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे चारसदा के टूर वर्ष में इस तरह की आपको खुली कचहरी होती है। देखिए इससे पहले आप गवाह होंगे, जितनी भी हमारी खुली कचहरी होगी इससे पहले काश्तकारों के हवाले से जो खुली कचहरी हुई उसके भी बारे पास हमारे मिनट्स मौजूद हैं। इसके फॉलो अप में हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ इशूज़ भी टेकअप किए हैं और उसका भी काफ़ी खातरख्वा हल निकला है। जो भी हमारी खुली कचहरी है इसका बाकायदा ये मेनेटाइज होती है, इसकी परसूस होती है, इसके ऊपर हमें फॉलो अप के बाद हमें पूछना पड़ता है।